आम आदमी पार्टी के गंभीर इल्जाम लगाने वाले हरदीप सिंह किंगरा के बयान से सियासत शुरू हो गई है। अकाली दल का इल्जाम है कि आप दे आगुआ ने पग का अपमान किया है, इसलिए उन्होंने बख्शा नहीं जा सकता। अकाली दल वालों श्री अकाल तख्त के जथेदार साहबान अपील की गई है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी कहा कि वह दुर्गेश पाठक के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। पाठक ने ये कहा है कि सिखों के दाढ़ी और पगड़ी में ही अकल होती है। इन्होंने कई दफा किया है सिखों के साथ मजाक। हम ये कहा कि ये एंटी सिख हैं सारे ही जो हैं, ये किसी सिख को बर्दाश्त नहीं कर रहे। जो भी करते हैं वो सिखों के एंटी करते हैं। और दूसरे पास पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने अकाल तख्त साहब के जहेदार साहब को लिखा है कि उसको सजा मिलनी चाहिए और उनको वहां पर बुलाना चाहिए। सिख विरोधी गल्लां कीतियां और जड़े तनस कसे है उन्होंने ये गल कही है कि सिखां दी अकल उन्होंने वालों के विच हुंदी। मैं समझना है कि ये वास्ते कोई परचा दर्ज होना चाहिए, ये वास्ते कार्रवाई होनी चाहिए है ताकि अगे तो कोई ये जरूरत ना कर पाए।